हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के एक अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑलरेडी ठीक इसके पहले वाली वीडियोस में हमने जावा के एरे के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया, दैट इज वन डायमेंशनल एरे। और इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे जावा का टू डायमेंशनल एरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है वो सिर्फ होगी इंट्रोडक्शन टू टू डायमेंशन एरे, यानी कि हम लिख सकते हैं उसको 2D एरे का इंट्रोडक्शन, यानी कि एग्जैक्टली 2D एरे क्या होता है, क्यों इसको यूज करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, 2D एरे मींस टू डायमेंशनल एरे, और इसका यूज जो होता है वो मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स ब्रांच को, यानी मैट्रिक्स आप जानते होंगे अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट हैं, या फिर आप 12th 11th पढ़ के ही आगे BCA या BTEC में आए हैं, तो आप डेफिनेटली ये जानते होंगे कि जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम रोज और कॉलम्स के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, चीजों को, यानी डेटा को स्टोर करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ब्रांच जो होता है वो मैथ्स का, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम टू डायमेंशनल एरे को क्या करते हैं, यूज करते हैं। टू डायमेंशनल एरे में एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये है हमारा एक मैट्रिक्स का एग्जांपल। देखिए इसमें क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है। तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड रो, वैसे ये हो गया, ये टोटल रोज कितने हैं इसमें, तो टोटल रोज की संख्या 3 है। और वैसे ही इसमें हो गया ये फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम और ये हो गया थर्ड कॉलम, तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो मतलब जो हमारा ये मैट्रिक्स कहलाएगा, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ये कहलाएगा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जहां पे पहला जो होता है वो रो को डिनोट करता है और जो दूसरा होता है वो किसको डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप A10 मानते हैं, मान लीजिए अगर आप यानी कि 10 साइज का मानते हैं, तो आपको इंडेक्सेस जो है वो मतलब एरे बनता है ना, ऐसे मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से ये एरे बनता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 9 इंडेक्स तक बनेगा। तो वैसे ही हमारे टू डायमेंशनल एरे में ही भी इंडेक्सिंग होती है, वो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये इंडेक्स आप समझ गए तो टू डायमेंशनल एरे का चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो वो आप बड़े आसानी से बना पाएंगे, अगर नहीं समझ पाए तो बहुत मुश्किल है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंडेक्सिंग देखते हैं। देखिए जो हमारा 2D एरे है उसकी एड्रेसिंग जो होती है, जो हम एड्रेस कहते हैं, जैसे ये भी हमारा एड्रेसिंग है, ये A0 है, ये A1 है, तो वैसे ही जो हमारी टू डायमेंशन एरे की एड्रेसिंग होती है वो दो तरीके से की जा सकती है। फर्स्ट होता है रो मेजर, ठीक है, यानी कि रो मेजर एड्रेसिंग, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं कॉलम मेजर एड्रेसिंग, कॉलम मेजर एड्रेसिंग। तो आपको कौन सा यूज करना है, देखिए हम बता तो दोनों देंगे आपको कि रो मेजर एड्रेसिंग क्या होता है, कॉलम मेजर एड्रेसिंग क्या होता है, लेकिन हम जो प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वो होता है रो मेजर एड्रेसिंग को। ध्यान से समझिएगा रो मेजर एड्रेसिंग क्या होता है, चलिए मैं इसी पे समझा देता हूं। अगर मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं क्योंकि फिर आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी होगी। ये देखिए, ये मान लीजिए मेरा एक 3x3 का मैट्रिक्स है और मुझे इसके एड्रेसेस को जानना है कि इसमें कौन कौन सा क्या एड्रेस है। तो मान लीजिए ये मेरा A नाम का मैट्रिक्स है, तो देखिए कभी भी जैसे आपको एरे में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी किससे, 0 से ही, चाहे वो रो के लिए हो चाहे वो कॉलम के लिए हो। ठीक है, तो अगर हम रोज की बात करें तो जैसे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली कॉलम की बात करें तो भी ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 2। अब हम जो एड्रेसिंग बताने जा रहे हैं आपको वो है रो मेजर एड्रेसिंग। तो रो मेजर एड्रेसिंग में क्या होता है, रो मेजर यानी पहले रो को आप वैल्यू देंगे, तो जब रो को वैल्यू देंगे तो पहले आप लिखेंगे रो और फिर लिखेंगे कॉलम, तो 0 का 0, वैसे ही पहले लिखेंगे रो यानी 0 फिर लिखेंगे कॉलम तो 0 का 1, वैसे ही लिखेंगे पहले रो 0 और फिर लिखेंगे कॉलम यानी कि 2। सिमिलरली अब इसकी बारी आती है, तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, वैसे ही रो नंबर 2 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 1 सॉरी रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 एंड रो नंबर अगेन 2 एंड देन कॉलम नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार हमने एड्रेसिंग करते हुए किसको वैल्यू दिया है, तो हमने रो को वैल्यू दिया है, रो को पहले लिखा है, इसलिए ये कहलाता है रो मेजर। और ठीक इसी तरीके से अगर आप पहले कॉलम को लिख दें, मतलब क्या हुआ, अगर मैं कॉलम मेजर की बात करूं और हमारे पास मान लीजिए ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैं इसको कॉलम मेजर में एड्रेसिंग करना चाहता हूं, तो 0, 1, 2 फिर ये भी 0, 1, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं पहले लूंगा कॉलम 0 फिर लूंगा ये रो 0, फिर लूंगा पहले कॉलम 1 फिर लूंगा ये 0, फिर लूंगा पहले कॉलम 2 फिर लूंगा क्या ये 0, वैसे ही पहले कॉलम 0 देन रो नंबर 1
कॉलम नंबर वन रो नंबर वन, कॉलम नंबर टू रो नंबर वन, वैसे ही कॉलम नंबर जीरो रो नंबर टू, कॉलम नंबर वन रो नंबर टू और कॉलम नंबर टू एंड रो नंबर भी टू। तो ये हो गया आपको कॉलम मेजर, क्योंकि कॉलम को वैल्यू दिया गया। ये हो गया रो मेजर, क्योंकि हमने इसमें रो की वैल्यू दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें प्रोग्रामिंग में कौन सा यूज करना है, तो प्रोग्रामिंग में हमेशा हम रो मेजर को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। अब एक चीज देखिए, जब ये जीरो जीरो है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको डिनोट करेंगे ए ऑफ जीरो ऑफ क्या जीरो। तो अगर मैं लिखता हूं ए ऑफ जीरो ऑफ जीरो, इसका मतलब मैं इसको इसमें इस बॉक्स में रखे जाने वाले वैल्यू को डिनोट कर रहा हूं। कोई भी वैल्यू मैं डाल सकता हूं, मान लीजिए मैं क्या डालता हूं फाइव डालता हूं, तो मतलब मुझे ऐसा करना पड़ेगा इक्वल टू फाइव। तो ये फाइव कहां स्टोर हो जाएगा, ए ऑफ जीरो ऑफ जीरो में। वैसे मैं कहता हूं ए ऑफ जीरो ऑफ वन में टेन डाल दो, तो ये ए ऑफ जीरो फोन कौन सा है, ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा। वैसे मैं कहता हूँ ए ऑफ जीरो ऑफ टू में जो है वो 15 डाल दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको इन्हीं सारे एड्रेसेस पे वर्क करना है। अगर आपने ये एड्रेसेस समझ लिए, जैसे मैं कहता हूँ ए ऑफ टू ऑफ वन में जो है वो 60 डाल दो, तो आपको पता होना चाहिए टू ऑफ वन कौन है, ये वाला है, तो इसमें आप क्या डाल देंगे 60 डाल देंगे। तो सारा का सारा गेम जो है वो इसी एड्रेसिंग पे है, इसी रो को, ये फर्स्ट होता है रो और दूसरा क्या होता है कॉल्यूम। अगर इंडेक्सेस को आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए, नहीं समझे तो आप इस वीडियो को रिमाइंड करके फिर से समझिए, ठीक है। इसका मतलब सिंपली एक लाइन, इंडेक्सिंग समझ के प्रोग्रामिंग बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक इनपुट, मतलब टू डायमेंशनल एरे का कैसे आप इनपुट लेंगे और कैसे उसको आप डिस्प्ले करेंगे ये आपको बताता हूं। तो अगर हम टू डायमेंशनल एरे के इंट्रोडक्शन प्रोग्राम यानी कैसे हम टू डायमेंशनल एरे का इनपुट लेते हैं और कैसे उसको डिस्प्ले करते हैं ये लिखना चाहे तो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है हमारा नॉर्मल तरीका, मतलब हम थ्रू आउट द प्रोग्राम लिखेंगे, और दूसरा जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का तरीका। तो बेसिकली मैं आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल तरीके में बस आप फ्लो में एक फ्लो में लिखते चले जाएंगे वो होते चला जाएगा। मेजर क्या है, हम कोई भी प्रोग्रामिंग जो करें वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे करें, क्योंकि जावा जो है क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपना इम्पोर्ट स्टेटमेंट, तो हम लिखते हैं क्या इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्या स्कैनर, स्कैनर कैस क्या होगा कैपिटल होगा, ठीक है, सॉरी नॉट स्कैन जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर देन सेमी कॉलन। अब उसके बाद क्या करेंगे हम एक क्लास बनाते हैं मान लीजिए, और क्लास का नाम हम रख देते हैं टू डी एरे, टू डी लिख देते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिख देते हैं। अब इसके अंदर आते ही हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक एरे बनाना होगा, ठीक है, वो हम एरे बना लेते हैं। तो एरे बनाने के लिए हम क्यों क्या करना पड़ेगा, तो देखिए एरे बनाने का तरीका क्या होता है, तो हम इंटीजर टाइप का एक 2D एरे बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट, और यहां पे आप डालेंगे क्या साइज, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर आप डालेंगे साइज। अब दो तरीका है, या तो आप 3x3 का मान लीजिए, यानी कि कंप्लीटली आप अपनी मर्जी से 3x3 का ही इनपुट लेंगे और 3x3 का ही डिस्प्ले करेंगे, या यहाँ पे कोई बड़ा एंटिटी रख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप रख लीजिए 50x50 का, और फिर रो और कॉल्यूम भी यूजर से पूछिए और फिर उसके बाद उसके इनपुट कीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो क्या करें बताइए, चलिए मैं यहाँ पे 3x3 कर देता हूँ, क्योंकि मैं फिक्स कर देता हूँ कि मैंने 3x3 का ही मैट्रिक्स बनाया है, हम उसी को यूज करेंगे, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर के मेमोरी में बनेगा मैट्रिक्स, हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, तीन रोज होंगे और क्या होंगे तीन कॉलम्स होंगे, ठीक है। और अगर एड्रेसिंग की बात करें तो ये 012, ये भी 012, ये हो जाएगा 0 का 0, ये 0 का 1, ये 0 का 2, ये क्या हो जाएगा 1 का 0, ये 1 का 1 और ये 1 का 2, और ये हो जाएगा 2 का 0, 2 का 1 और 2 का क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है इनपुट लेंगे, तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले मान लीजिए हम एक गेट डेटा नाम का फंक्शन लेते हैं, तो void गेट डेटा। अब इस गेट डेटा के अंदर हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो चलिए बनाते हैं स्कैनर टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके ब्रैकेट में हम क्या डाल देंगे सिस्टम डॉट इन, राइट, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, क्यों बनाया, क्योंकि हम इनपुट लेना चाहते हैं इसलिए बनाया। अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो हमारा इनपुट सेक्शन होता है ना उसमें हम अब दो लूप लगाते हैं, एक लूप लगता है रो के लिए, ठीक है, और एक लूप लगता है किसके लिए कॉलम के लिए। तो फॉर, अब मान लीजिए मैं वेरिएबल से ले लेता हूं इंटीजर टाइप का, मैं एक आई ले लेता हूं जो रो के लिए होगा और एक जे ले लेता हूं जो कॉलम के लिए होगा, और मैं यहां क्या लूप लगाता हूं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। जो ये आई को, मतलब हमारा आई जो है वो 0, 1 और 2 तक जाएगा क्योंकि लेस देन 3 है। वैसे ही मैं करता हूं क्या कॉलम के लिए फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 और जे क्या
प्लस प्लस ये किसके लिए हो गया, कॉलम के लिए हो गया, जो हमारा जे है वो जीरो वन और टू तक जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आते ही मैं मैसेज डिस्प्ले करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन एंटर नंबर, यानी क्या कीजिए एंटर नंबर या नंबर दीजिए, और जो भी यूजर नंबर देगा उस नंबर को हम कहां रीड करेंगे, ए ऑफ आई ऑफ किस में, जे में, तो ए ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब इसको आपको समझना है कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा सिस्टम की मेमोरी में, ये वर्क कैसे करेगा। बस अब ये हमारा गेट डेटा शुरू होता है, ये हमारा गेट डेटा फंक्शन बंद हो गया। अब हमें समझना है ये काम कैसे करेगा, तो ध्यान देखिए ये जब हमारा आई जीरो है, ठीक है, तो लेस देन थ्री है, हाँ जी है, तो जैसे ही एंट्री किया जे टू कितना पे सेट कर दिया, जीरो पे सेट कर दिया, तो लेस देन थ्री है, हाँ जी है, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इंटर नंबर पूछा और उस नंबर को आई ऑफ जे में, तो आई ऑफ जे मतलब जीरो ऑफ जीरो, क्योंकि ए ऑफ आई ऑफ जे है इसलिए ए ऑफ जीरो जीरो जो भी वैल्यू देगा वो यहां चला आएगा। अब ये लूप जो है वो यहां से कहां जाएगा, जे पर जाएगा, जे को बढ़ाएगा, जे जीरो से क्या हो गया वन हो गया, वन इज लेस देन थ्री है, हाँ जी बिल्कुल है, फिर से नंबर पूछा और ए ऑफ आई ऑफ जे में, यानी जीरो ऑफ किस में वन में, जो भी वैल्यू आपने दिया वो रीड कर लिया, फिर ये यहां से ऊपर गया, जे को बढ़ाया, जे को बढ़ाया तो टू हो गया, ठीक है, टू इज लेस देन थ्री है, हाँ जी बिल्कुल है, फिर से इंटर नंबर पूछा और एस सी डॉट नेक्स्ट इन ए ऑफ आई ऑफ जे में रीड कर लिया, तो ए ऑफ आई ऑफ जे क्या है जीरो ऑफ टू, यानी यहां पर रीड कर लिया, मान लीजिए आपने टू दिया तो यहाँ टू रीड कर लिया, फिर जब अब ये ऊपर जाएगा जे को बढ़ाएगा तो जे हो जाएगा थ्री, अब ये चेक करेगा थ्री इज लेस देन थ्री है नहीं, टर्मिनेट, जब ये टर्मिनेट होगा तो अब ये फिर ऊपर जाके आई को बढ़ाएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड लूप का, ठीक है, वन हुआ, वन इज लेस देन थ्री है, हाँ जी बिल्कुल है, फिर से जे चाहे जो कुछ भी था क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर से वही वन के जीरो में वैल्यू एंट्री होगी, तो यहाँ पे मान लीजिए थ्री एंट्री हो गई, फिर जे बढ़ेगा वन हो जाएगा, फिर वन के वन में एंट्री होगी तो मान लीजिए सेवन आ गया, फिर जे बढ़ेगा टू हो जाएगा, अब वन के टू में एंट्री होगी तो मान लीजिए सिक्स आ गया, अब जैसे ये थ्री होगा तो थ्री इज लेस देन थ्री नहीं, फिर ये ऊपर जाके आई को बढ़ाएगा, आई कितना हो जाएगा वन से टू हो जाएगा, टू इज लेस देन थ्री है, हाँ जी बिल्कुल है, फिर आके जे को कितना सेट कर देगा जीरो पे, इस बार जो एंट्री होगी जीरो टू ऑफ जीरो में होगी, मान लीजिए सिक्स हो गया, फिर ये बढ़ेगा, इस बार जो एंट्री होगी टू ऑफ वन में होगी, मान लीजिए फाइव हो गया, फिर ये बढ़ेगा टू ऑफ टू में एंट्री होगी, सिक्स हो गया मान लीजिए, अब जब ये बढ़ेगा थ्री तो थ्री इज लेस देन थ्री फॉल्स, अब ये ऊपर जाएगा फिर आई को बढ़ाएगा, आई भी कितना हो जाएगा थ्री, थ्री इज लेस देन थ्री फॉल्स, तो देखिए जैसे ये लूप फॉल्स हुआ यहां से लेके यहां तक काम खत्म, फिर ये गेट डेटा का काम भी क्या हो गया खत्म हो गया, तब तक देखिए तो हमारा इनपुट हो चुका है, जी हाँ बिल्कुल हमारा इनपुट हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी आपको अगर अपने टू डायमेंशनल एरे के लिए इनपुट लेना हो तो बिल्कुल आप इसी लॉजिक का यूज करेंगे, बदलेगा क्या, अगर आपका मैट्रिक्स 3x3 का है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 3x3 लिखेंगे, अगर आप यहाँ का मैट्रिक्स 4x4 का हो जाएगा यहाँ 4x4 लिखेंगे, 3x4 का होगा तो 3x4 लिखेंगे, सिर्फ यही फर्क होगा। तो ये हो गया मेरा इनपुट, अगर आपने इनपुट लिया अपने मैट्रिक्स का, तो अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको आउटपुट लेना है मतलब इसको डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे, तो चलिए अगला फंक्शन लिखते हैं, डिस्प्ले का फंक्शन होगा वो, ठीक है, तो उसके लिए हम एक पुट डेटा नाम का फंक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे जो हम फंक्शन लेते हैं वो पुट डेटा करके लेते हैं, तो वॉइड और फंक्शन का नाम हमने क्या डाल दिया पुट डेटा, ठीक है, तो पुट डेटा मतलब हम क्या करेंगे अपने इस मैट्रिक्स को, जो हमारा ये मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट शो करने का काम करेंगे, ठीक है, तो शो करने का काम कैसे करेंगे, तो जब इन दोनों मैट्रिक्स मतलब दोनों लूप का यूज करके हम एक एक करके एलिमेंट्स पे जा सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम इन्हीं लूप का यूज करके एक एक बार हर एक एलिमेंट पे जा सकते हैं और उसे जाके प्रिंट कर देंगे, लेकिन जब रो हमारा जीरो से वन पे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा लाइन चेंज हो जाएगा, वन से टू पे आएगा तो हमारा लाइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, बस इसका ख्याल रखना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ एक डेटा टाइप का आई ले लेंगे और एक जे ले लेंगे फिर से, ठीक है, अब हम यहाँ लूप लगाते हैं फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन थ्री और आई प्लस प्लस, इसके अंदर आते ही हम यहाँ क्या करेंगे लूप लगाएंगे फॉर जे इक्वल टू जीरो जे लेस देन थ्री और जे प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ध्यान दीजिएगा हम पहले प्रिंट कर देंगे किसको ए ऑफ आई ऑफ जे को, और देन प्लस हम क्या करेंगे चार स्पेस या जो भी आपको देना हो वो दे दीजिए, फोर स्पेस क्यों देंगे, ताकि फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करने के बाद सेकंड एलिमेंट के बीच में जब मतलब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में ये क्या दे देगा स्पेस दे देगा, और इसको जब हम प्रिंट कर देंगे उसके बाद एक हम सिर्फ लगा देंगे, बेसिकली ये प्रिंट एलन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा ये होगा सिर्फ प्रिंट,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं लिख दूं। चलिए मैं इसको डिलीट करके अच्छे से, वैसे ही देखिए ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज हम नहीं भी दें तो काम चलेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट के मतलब इस फॉर के साथ ये स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली रहेगा ही रहेगा। लेकिन चलिए फिर भी मैं लिख देता हूं, यहां पे जो हम यूज करेंगे वो लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट, नॉट प्रिंट एलन किसको, तो ए ऑफ आई ऑफ जे को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, प्लस डबल कोट्स में मैं चार स्पेस डाल देता हूं ताकि उस एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद चार स्पेसेस क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। और उसके बाद जब ये लूप खत्म हो जाएगा, उस लूप के खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन, बस कुछ नहीं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये बंद, ये हो गया फॉर बंद और ये बंद हो जाएगा मेरा पुट डेटा बंद। हमें ये समझना हो कि ये कैसे काम करेगा, तो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, आई जीरो है ठीक है, तो आई को सेट कर दिया कितना पे, जीरो पे सेट कर दिया, जीरो इज लेस देन 3 है बिल्कुल है, जे जीरो पे है हाँ ठीक है, लेस देन 3 है हाँ ठीक है, तो कहता है ए ऑफ आई ऑफ जे को प्रिंट कर दो, तो क्या ए ऑफ आई ऑफ जे, ऑब्वियसली 5 है तो क्या करेगा 5 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये यहां से पहले इस लूप पे जाएगा, जे को बढ़ाएगा, जे जीरो से 1 हो गया, 1 इज लेस देन 3 सही है ठीक है, फिर क्या करेगा ए ऑफ आई ऑफ जे यानी 0 ऑफ 1 को प्रिंट करेगा, लेकिन इस स्पेस देखिए ए ऑफ आई ऑफ जे को प्रिंट करने में 4 स्पेस भी होता, तो पहले ये 4 स्पेस प्रिंट कर देगा, उसके बाद क्या करेगा फिर से 0 ऑफ 1 को प्रिंट करेगा जो क्या है 3 है, तो 3 प्रिंट कर दिया, फिर 4 स्पेस 1 2 3 4, फिर ये ऊपर गया, जे को बढ़ाया, जे कितना हो गया 2 हो गया। अब यह क्या करेगा फिर सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन, क्योंकि चेक करेगा ना 2 इज लेस देन 3 तो सही है, तो क्या करेगा ए ऑफ आई ऑफ जे, तो ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 ऑफ 2, तो 0 ऑफ 2 कितना है 2 है, प्रिंट कर देगा और फिर 4 स्पेस दे देगा, कोई बात नहीं ठीक है। उसके बाद जब फिर से ये जे को बढ़ाएगा तो जे कितना हो जाएगा 3, 3 इज लेस देन 3 नहीं, तो यहां से यहां तक का लूप टर्मिनेट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन मतलब सिर्फ प्रिंट कर लेने का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, तो ये क्या हुआ आ गया आपके नेक्स्ट लाइन में। अब जैसे ही ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, अब यहां से ये कहां जाएगा आई वाले लूप में, तो आई वाले लूप में क्या करेगा आई को इंक्रीज करेगा, तो आई जीरो से कितना हो गया 1 हो गया, 1 इज लेस देन 3 बिल्कुल सही है ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आया, जे को फिर से 0 पे सेट कर दिया, आगे का फ्लो आपको पता है, 1 का 0 प्रिंट हो जाएगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, फिर ये बढ़ेगा 1 का 1 प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट होके फिर 4 स्पेसेस ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ 4 स्पेसेस दिए हैं, फिर ये 2 हो जाएगा तो 1 का 2 मतलब 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 स्पेसेस 1 2 3 4। अब ये जैसे ही 3 होगा ये जे का लूप टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, नीचे आएगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, फिर से अगले लाइन में और फिर 6 फिर 5 फिर 6। अब देखिए जब ये दिखेगा तो स्पेस तो आपको दिखेगा नहीं, तो आपको ये बिल्कुल ही इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा शो हो जाएगा एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। तो ये है कैसे आप इसी मैट्रिक्स को इनपुट करेंगे और आउटपुट करेंगे। तो आपके मैट्रिक्स को आउटपुट करने के लिए हमेशा ये फिक्स हो गया, नाउ आप जब भी अपने मैट्रिक्स को दिखाना चाहेंगे आप बिल्कुल इसी तरीके से दिखाएंगे। अब इसके अंदर जो है वो आप चाहे तो डायरेक्टली पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख सकते हैं, बहुत तरीके से कोडिंग होने लगी है अब तो जावा की ठीक है। इसी के अंदर आप लिख दीजिए स्ट्रिंग args और कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है और कॉल कर देना है टू डिम का ठीक है। लेकिन मेरा क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, चलिए मैं अपने तरीके से ही बताता हूँ, आप चाहते तो इसी में बना सकते थे, तो ये पुट डेटा शुरू हुआ ये पुट डेटा खत्म हो गया, वैसे ही मैं ये क्लास टू डिम शुरू हुआ ये क्लास टू डिम क्या कर देंगे खत्म कर दूंगा। इसके बाद मैं एक और क्लास बनाऊंगा, मान लीजिए मैं यहां से इसको मिटा देता हूं ताकि मैं आपको क्लास मेंबर्स कॉलिंग दिखा दूं कैसे होगा ठीक है। मैं क्यों अलग रखता हूं, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि सारी फंक्शनैलिटी को एक क्लास में रखिए और कॉलिंग को दूसरे क्लास में रखिए, तो इसके यहां से जो मुझे लगता नहीं कि इसके नीचे आएगा, इसलिए मैं यहीं पे जो कोड लिखना है मतलब इसके आगे जो कोड लिखना है मैं वहां ऊपर लिख देता हूं। एक आप क्लास बना लीजिएगा ठीक है, क्लास मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी बना लीजिएगा, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को डाल दीजिएगा ठीक है, इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args ओके, और उसके बाद आप इसका ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, किसका ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा इस क्लास का टू डिम क्लास का, तो क्या करेंगे आप टू डिम टाइप का मान लीजिए डबल ए ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल टू न्यू टू डिम, और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप डबल ए के जरिए सबसे पहले इनपुट लेना है ना, तो किसको कॉल करेंगे आप ये डेटा को कॉल कर लेंगे तो डबल ए डॉट गेट डेटा, और फिर उसके बाद क्या लेना है आउटपुट लेना है ना तो किसको कॉल कर देंगे डबल ए के जरिए किसको पुट डेटा को, तो गेट डेटा से इनपुट हो जाएगा ठीक है, और पुट डेटा से वो मैट्रिक्स आपको शो कर दिया जाएगा, ये बंद हो जाएगा आपको मेन और ये बंद हो जाएगा आपको क्या क्लास, दैट्स इट ठीक है। अब ये प्रोग्राम रन करने में कहीं कहीं किसी किसी जगह पे एरर दिखाता है, क्यों, क्योंकि ये कहता है कि आई और जे इनिशियलाइज नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आई इक्वल टू जे इक्वल टू जीरो कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा
आई इक्वल टू जे इक्वल टू जीरो। कभी कभी ये एरर्स दिखाते हैं जो कि जावा में अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो बस यही है आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम। देखिए कितना बड़ा सा हो गया, चार चार लूप्स लग रहे हैं एक प्रोग्राम में, बिल्कुल नॉर्मल से प्रोग्राम में। तो कोई बात नहीं, समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से इनपुट और आउटपुट लेना टू डायमेंशनल एरे का समझा दिया है, सिखा दिया है। तो अगर हमें ये जानना है कि कैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होगा, तो ये रहा मेरा ब्लू जे और यहीं पे मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। चलिए इस पर क्लिक करेंगे और एक न्यू क्लास लेंगे और मान लीजिए यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ टू डायमेंशनल एरे है इसलिए मैं टू डिम दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ ओके। राइट, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड लिखने की परमिशन दे देगा। सारे कोड को मैं यहाँ शुरू से डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और सारा कोड मैं लिखना टाइप स्टार्ट करता हूँ। इंपोर्ट पहला लाइन क्या होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्लास टू डिम कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, और देन स्ट्रिंग args strings args। राइट, इसके अंदर आते ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ दोनों को, वरना बाद में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये दोनों जो ओपन हुए थे वो क्लोज हो गए। अब यहाँ पे मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्कैनर टाइप ऑफ sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। अच्छा चलिए, पहली बात ये कि अगर हम इसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जरिए बनाएंगे तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम सीधे क्या लिखेंगे, पहले फंक्शन का नाम, मतलब जो भी हमारे वेरिएबल के डिक्लेरेशन है वो देंगे और उसके बाद करेंगे। तो तरीका हमारा अपना हो सकता है, हम किसी भी तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैन टाइप ऑफ इक्वल टू न्यू स्कैनर scanner एंड इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट क्या इन। राइट, अब यहाँ पे मैं एक जो भी है मानूंगा टू डायमेंशनल एरे, इंटीजर टाइप का एक ए नाम का टू डी एरे है इक्वल टू न्यू इंट, और ये हो गया 3x3 का एक टू डायमेंशनल एरे। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पे इसके लिए इनपुट लेना है, तो इंटीजर टाइप का एक आई लेंगे और एक जे लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल्स जीरो, आई लेस देन थ्री और आई क्या प्लस प्लस, फिर फॉर जे इक्वल्स जीरो, जे लेस देन थ्री और जे क्या प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर हम मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एल एन एंटर नंबर, और जो भी यूजर नंबर देगा उसको हम रीड कर लेंगे ए ऑफ आई ऑफ किस में, जे इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट next int int। तो ये मेरा हो गया इनपुट, ठीक है। अब आते हैं आउटपुट में, तो फिर से फॉर i इक्वल्स जीरो, ठीक है, i लेस देन थ्री और i प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर आते ही हम फॉर को शुरू करते हैं और फॉर लूप लगाएंगे फिर से j का, j इक्वल्स जीरो, j लेस देन थ्री एंड क्या j प्लस प्लस, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, और फिर यहाँ हम देंगे किसकी किसको प्रिंट करना है हमें, ए ऑफ आई ऑफ जे को प्रिंट करना है, और साथ ही साथ हम कुछ स्पेसेस भी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे एक मैसेज देंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्यों, रीजन मैं बता चुका हूँ आपको, ये रो चेंज होगा फिर ये हमें देना पड़ेगा, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस यही है हमारा प्रोग्राम। अब हम इसे रन करना चाहें तो कंपाइल कर लिया, ठीक है, कंपाइल करने के बाद इसको हमने क्लोज कर लिया, ठीक है। रन कैसे करेंगे, तो रन करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और वाइड मेन स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे और जैसे एंटर करेंगे, देखिए आपसे पूछता है एंटर नंबर, जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट और फिर नाइन। और देखिए जब मैंने एंट्री कर दिया, चूंकि 3x3 का मैट्रिक्स था तो हमसे इसने नाइन एलिमेंट्स पूछे और नाइन एलिमेंट्स को इसने मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये है हमारा टू डायमेंशन एरे का एक प्रोग्राम जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है। इसी को अगर आप चाहें सेम प्रोग्राम को कन्वर्ट करना अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट में, तो बहुत आसान है। कैसे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए मैं चेंजेस करता हूँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे, सो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को ले आएंगे, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन को पहले ले आया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे void getData नाम का फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर ही आप जो है सारा इनपुट का वर्क परफॉर्म करेंगे। तो ये स्कैनर वाला और इनपुट वाला सारा टास्क जो है आप यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ओके। तो आपका ये इनपुट का वर्क क्या हो गया, परफॉर्म हो गया। अब इनपुट का जब वर्क परफॉर्म हो गया, उसके बाद आपको आउटपुट का वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो आउटपुट यहाँ डाल देंगे, यानी कि यहाँ पे मेरा हो जाएगा फंक्शन कौन सा, void put data, ओके। अब इस put data फंक्शन में आपने जो भी लिखना था वो लिख दिया। एक काम कीजिए, इस i और j को जो है वो यहाँ से हटा के इसको ग्लोबल वेरिएबल बना दीजिए, क्लास वेरिएबल, ताकि हर बार इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़े। बस हो गया काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लास बंद हो गया। अब इस क्लास के बाद आप एक नया क्लास बनाना चाहते हैं तो एक नया क्लास बना लीजिए, या इसी में अगर आप चाहते हैं चीज़ों को लिखना तो यहीं पे आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख लीजिए, स्टैटिक वॉइड मेन
ठीक है, ब्रैकेट में स्ट्रिंग ए आर जी एस, ओके। और ऑब्जेक्ट बना लीजिए, किसका ऑब्जेक्ट बनाइएगा, तो टू डिम टाइप का डबल ए इक्वल टू न्यू टू डिम, ठीक है। और इसमें आप डबल ए के जरिए पहले गेट डेटा कर लीजिएगा, तो गेट डेटा से इनपुट हो जाएगा, और डबल ए के जरिए आप क्या कर लीजिए, पुट डेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुट डेटा का काम हो जाएगा, राइट। और उसके बाद इस मेन को क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए, और ये क्लास आपका बंद, कुछ नहीं करना है। यहाँ कंपाइल कीजिए, फिर से रन करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, वॉइड मेन पे क्लिक कीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए फिर से पूछता है आपसे इंटर नंबर, मान लीजिए मैं देता हूँ इस पर उल्टे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। देखिए हमारा सारा एलिमेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। इसका मतलब है कि अगर एक तरीके से आप जानते हैं कोड को लिखना, तो बड़ी आसानी से आप उसे जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक नया क्लास भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैंने इतना कर दिया तो वो आप आराम से करके खुद से देख सकते हैं कैसे वो आप करेंगे, राइट। तो ये है इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।